ये पेरिटोनियल डायलाइसिस की डायग्राम है, इसको समझ लें। ये कैसे बनानी है, हमने सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी बनानी है, ठीक है। और इस तरह से आपने पेरिटोनियल कैविटी बना देनी है, और आपने बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो फिगर नहीं बनानी कि इधर ह्यूमन बॉडी नहीं बनानी, सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी बनानी है, ठीक है। और इसको डबल लाइन कर दें, ठीक है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ये मेम्ब्रेन जो है ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, जबकि अंदर कैविटी जो है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इसको हमने डबल कर लिया, असल में मेम्ब्रेन को डबल करने की वजह ये है कि इस मेम्ब्रेन में ही सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्लूइड होगा जिसको डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब डायलाइसिस फ्लूइड कैसे एंटर हो रहा है वो सारा हम दिखा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है जहाँ से डायलाइसिस फ्लूइड आ रहा है, और ये डायलाइसिस फ्लूइड एंटर हो रहा है कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। अब यहाँ से ये आ रहा है और जो यूज़ होके जाएगा वो किस तरफ जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से, यानी कि इसके आपने दो जंक्शंस यहाँ पे बना देने हैं, ठीक है। इसको सेपरेट कर देना, यहाँ पे एक नॉब लगी होती है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ से फ्लूड वापस जा रहा है ड्रेनेज के लिए, एक्सचेंज मटेरियल की जब हो जाती है तो ड्रेनेज के लिए जाता है, जबकि यहाँ से मूवमेंट होती है उसकी टूवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी। और ये जो फ्लूड है ये क्या है, डायलाइसिस फ्लूइड है, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल डायग्राम है, इसमें जो चीज़ एक्चुअल में मैकेनिज्म आपको दिखा रही है वो एक और डायग्राम है। वो डायग्राम आपने यहाँ पे बनानी है, एक बॉक्स बना देना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना दें, और असल में ये बॉक्स क्या है, इतना सा सेक्शन है जो आप बड़ा करके दिखा रहे हो कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है इसको जब आपने बड़ा किया है तो यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, तो ये वो ब्लड वेसल है, ये देखें, ये वो ब्लड वेसल है, और ये मेम्ब्रेन का बाकी हिस्सा है जिसको मैं चलें इस कलर से दिखा देती हूँ। ये क्लोज होगी, ये इतना सा सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन जो है ये यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है, और बाकी ये जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल की एक्सचेंज कैसे होती है वो देख लें। सबसे पहले यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ से मटेरियल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने डॉट्स लगा देने हैं, मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मटेरियल जो है यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर डायलाइसिस फ्लूइड है, ये डायलाइसिस फ्लूइड है, ये डायलाइसिस फ्लूइड है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वेस्ट मटेरियल मूविंग, ठीक है। ये आपने वेस्ट मटेरियल की मूवमेंट बता दी हुई है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द